अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर जुम्मा की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलने का काम करने वाला यति नरसिंहानंद अब नुपुर शर्मा के समर्थन में आकर कह रहा है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो गलत नहीं कहा था और यति नरसिंहानंद खुद अब दिल्ली के जामा मस्जिद में 17 जून को जुमे की नमाज के दिन जाने वाला है और ये मुसलमानों से मुलाकात करेगा और इस्लामिक किताबों में क्या लिखा है अब ये मुसलमानों को बताएगा। ये वही यति नरसिंहानंद है जो हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है। कुछ दिन पहले ही इसने वीडियो जारी करके कहा था कि अब वो अपनी बची हुई जिंदगी संत के रूप में गुजारेगा। उसने अब तक इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अपनी ज़िंदगी गुजारी है लेकिन जो ज़िंदगी अब बची है वो संत बनकर रहेगा। लेकिन एक बार फिर ये यति नरसिंहानंद सरस्वती अपने काम धंधे पर लग गया है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की थी जिसके बाद कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब, जॉर्डन, मालदीव, तुर्की, लीबिया सहित करीब 12 देशों ने नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर भारतीय राजदूत में शिकायत दर्ज कराई है और जैसे ही नुपुर शर्मा पर एक्शन हुआ तो यति नरसिंहानंद सरस्वती नुपुर शर्मा के समर्थन में सामने आ गया और कह रहा है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो सही था और अब ये यति नरसिंहानंद सरस्वती खुद दिल्ली के जामा मस्जिद जाने की तैयारी कर रहा है। 17 जून को जुमे की नमाज के बाद ये मुसलमानों से मुलाकात करेगा इस्लामिक किताबों के साथ और अब ये मुसलमानों को बताएगा कि आखिर इस्लाम की किताबों में लिखा क्या है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती ने क्या कुछ वीडियो जारी करके कहा है आपको सुनाते हैं। के चरणों में नमन करते हुए श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना आलिम फाजिल लोग आए होते हैं, लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। अभी जो नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया ये उनकी गलती नहीं है, ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के इतिहास से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल उतनी बातें बोल रहे हैं जो इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी है, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा, केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीडियां हैं वो लेकर आऊंगा ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं, मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है, कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंहानंद गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नुपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे